राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की जो रेसिपी समझ लो, मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का अचार। और अभी थोड़े से हैं, ये तो यहाँ पे नहीं होते आंवले, कोई लेके आया था। वैसे अम्मा का फोन और शानू का आया था, वो बहुत सारी बोरी भर के जो आंवले की इकट्ठी करके ले आए हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा ऊपर होती है ना, घर से ऊपर जहाँ घास नहीं होती है, तो वो बहुत सारे आंवले लेके आए हैं और बोरी भर के लाए हैं। तो अभी मैं 31 को जाऊंगी, 31 या पहले को जाऊंगी शानू को लेने, तो मैं लाऊंगी वो। तो फिर और भी बहुत कुछ बनाएंगे, आंवले की चटनी, मुरब्बा, अचार। अभी ये थोड़े से हैं, ये देखिए। और पता है हमारे नीचे जो मेरे मायके में होते हैं ना, वो बड़े बड़े आंवले होते हैं, बड़े बड़े आंवले होते हैं। हर एक बेटी ना अपने मायके की तारीफ करती रहती है ना। तो ये देखो, तो मैंने क्या किया कि कढ़ाई में पानी रखा है। अब मैं आपको बैक कैमरा नहीं कर सकती, मैं ऐसे समझा देती हूँ थोड़ा सा। मैं नीचे, हाँ हाँ हाँ, हो गया। तो ये मैंने कढ़ाई में पानी रखा है, तो इनको हम सबसे पहले ना उबाल लेंगे। ये लो, ठीक है। तो इनको मैंने रख दिया उबलने। अब इनको हम मतलब ज्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा उबालना है, मतलब पानी में। वैसे उबलते हुए पानी में अगर डाले ना, तो वो मेरे को पहले ध्यान रहा, पानी अभी उबला नहीं था, थोड़ा सा गर्म था, तो मैंने इनको डाल दिया। अगर उबलते हुए पानी में इनको हम डालते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलो अभी इसमें ना सिर्फ एक उबाल आने देंगे, ज्यादा नहीं तो फिर खराब हो जाते हैं ना, ज्यादा नहीं। तो इनको पहले हम उबाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि हमें क्या करना है। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी और आप वीडियो देख सकते हो। अगर देखना चाहते हो तो मतलब आपको नोटिफिकेशन आके आप देख सकते हो जब आएगी। तो चलो इनको भी उबलने देते हैं और फिर हम करते हैं बाद में बात की इनका क्या करना है, ठीक है। तो देखिए अभी आंवले हमारे जो उबल चुके हैं, एक उबालने में आ चुका है, ज्यादा नहीं उबालने, नहीं तो ये फट जाएंगे। और यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है, तो चलो इनको निकाल लेते हैं। अब ये देखिए इनको अभी हम निकाल लेंगे इस तरह से। आंवला बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसका अचार बना के खाओ, चाहे इसको कच्चा खाओ, बालों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए मैंने सारे आंवले यहाँ पे निकाल लिए, सारे नहीं निकाले अभी निकाल रही हूँ। तो अभी इनका क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, देखो थोड़े से फट चुके हैं ना, तो चलिए अभी बाहर, अरे भारी है, इनको बाहर डालेंगे धूप में। ये देखो ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो देखिए इनको अभी हमने धूप में रखना है और 2-3 घंटे के लिए, ताकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। और अचार में पानी तो आपको पता ही है कि नमी का बिल्कुल दुश्मन है अचार। तो चलो इनको भी सुखा लेते हैं, उतने को हम कुछ और काम करेंगे। कैसे बोलू, हलो तू क्या कमाई? ये लो जी, 4 लोग रुपया। अभी हमने बिल्कुल, हमारे सूख गए थे, काफी धूप लगी इनको। तो इसमें अब मैं क्या करूंगी कि ये गर्मी था, मैंने इसको पहले गैस ऑन कर दी थी, तो मैंने ये राई डाल दी और राई चटकने भी लग गई हमारी। तो मैं ना गैस बंद कर, क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है। और ये डाली मैंने थोड़ी सी मेथी, ज़्यादा तो नहीं डालना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है, जितने हमारे पास आंवले हैं उसी हिसाब से। और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सौंफ, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें धनिया, थोड़ा सा धनिया। ये देखिए जीरा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मैं भूल गई था जीरा पर ध्यान नहीं रहा, कुछ और भी काम कर रही थी साथ साथ में, क्योंकि जैसे आजकल काम वाले आए हैं ना। और ये अचार बहुत अच्छा होता है, इससे मतलब जैसे और अचार हम खाते तो बीमार भी हो जाते ना, तो इससे नहीं होते, मतलब उतना एक्स्ट्रा कुछ भी खाएं तब तो होते ही है ना।
चटने लगे हैं सब कुछ, तो इसको हमने बस जलाना नहीं है, मतलब काला नहीं करना है। ये वाला जो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा चार डालने का, इस तरह से इनको ना, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इनसे। और देखिए इसके बाद फिर वो मैंने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल, और ये वो जो पिस्ता था ना मैंने, जो हमने गर्म वो किया था, रोस्ट किया था, बस थोड़ा सा भूनना था इसको, और दरदरा जैसा पिस्ता था। तो इसके बाद जो तेल हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हमने डाल देने आंवले, थोड़े गर्म तेल में ही डालने। और ये देखिए अब इसको तेल में ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना पहले आंवलों को। ये थोड़ी सी कढ़ाई छोटी हो गई थी मेरी ना, और फिर मैंने डाल दिए इसमें वो मसाले। और इसके बाद आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, तो अभी लेकिन ये भी डालेंगे ना जो मैंने डाला सामान, इतना भी डालेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी आपका अचार बनेगा। तो इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, नमक अचार में हमेशा ज्यादा ही रखना चाहिए। और बस अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, ठीक है। और फिर बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा ना, आपने देखना कितना अच्छा वो आया इसका, तो डब्बे में डाल के, कांच के डिब्बे में डालते हैं ऐसा बोलते हैं सभी, पर कांच का डिब्बा तो अपने पास है नहीं, तो मैं तो प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हूँ, उसमें भी खराब नहीं होता बिल्कुल नहीं। तो अब इसको आप अभी खा सकते हैं, ये क्योंकि उबले हुए आंवले हैं, तो इसको आप अभी खा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, निरोगा होता है। तो आंवले का अचार सबसे बेस्ट होता है, 12 महीने आप जब भी, मतलब वैसे तो सर्दियों में होते हैं आंवले, लेकिन बना के रख लेना चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा होता है आंवले का अचार सेहत के लिए। तो ये देखिए अब कितना अच्छा ये आया है इसका। तो ये बन गया हमारा आंवले का अचार, ये देखिए अब इसको सुखा के फिर इसको किसी कंटेनर में, और आप भी बनाइए खाइए, आंवले का अचार बहुत अच्छा होता है, आप किसी को भी दे दीजिए, मतलब ये बिल्कुल नेचुरल चीजें आप लोगों को पता ही है। तो बस इसी के साथ में करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों ने काफ़ी सारी राय दी है दूसरे चैनल पे, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हाई हो जाता है, कल शाम को तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, काम कुछ ज़्यादा था तो इस वजह से, तो फिर दवाई खाई थी उससे ना अभी भी चक्कर है आँखों में, आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल ऐसे आँखें जैसे बुखार है कुछ ऐसे जैसे। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।